हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में से एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे शरीर के साथ साथ इंजरी कंप्लेंट्स के लिए यूज़ किया जाने वाला बिल्कुल रामबाण होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निका मोंटाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मैं कोई भी नया लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर योर कमेंट्स। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अर्निका मोंटाना से। अर्निका मोंटाना का कॉमन नेम है लियोपैड्स बैन। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। इसका फैमिली नेम है कॉम्पोजिटे। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अर्निका ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ग्रो किया जाने वाला प्लांट है। इसे माउंटेन एरियाज में स्पेशली ग्रो किया जाता है। इसके साथ ये अर्निका प्लांट इंजरी कंप्लेंट्स के लिए यूज़ किया जाने वाला बहुत ज़्यादा कॉमनली मेडिसिन है। नेक्स्ट हम इसके क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो हम ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जहाँ पे अर्निका को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेज कोई भी एक्यूट डिजीज़ की हम यूज़ कर सकते हैं अर्निका को, जैसे कि एपोप्लेक्सी के इनिशियल स्टेज पे, एब्सेस पे, चेस्ट अफेक्शन पे, बॉइल्स पे, ब्रेन अफेक्शंस पे, ब्रुइसिस, ब्रॉन्चाइटिस पे, कार्बिंकल्स, डिसेंट्री, डायबिटीज़, एचिमोसिस, आई अफेक्शंस में। इसके साथ साथ हम फीवर में यूज़ कर सकते हैं, हेडेक में, हार्ट अफेक्शंस, मेंसेस, हिमाचूरिया, इंजरी, मैनिंजाइटिस, पैरालिसिस, स्क्रीन अफेक्शन, हिमाटमेसिस, लेबर पेन में। इसके साथ हम इसे यूरिनरी अफेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करें तो अर्निका ये ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली एक्ट करता है, स्पेशली कैपिलरीज पे एक्ट करता है। इसके पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड में कॉमनली एक्शन है इसका, तो ये एनीमिया कॉज कर सकता है, टेंडेंसी टू हीमरेज, कैपिलरी स्टेसिस, एचिमोसिस, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ ये प्रिवेंट करता है सेप्टिक कंडीशन को और पार्ट जो भी इंजरी का पार्ट है उसे रिकवर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिजिकल मेकअप जो है अर्निका मोंटाना का वो है प्लेथोरिक सैंग्विन पर्सन, लाइवली एक्सप्रेशंस विथ वेरी रेड फेस। रेड फेस होता है इनका, बिल्कुल प्लेथोरिक दैट मीन्स फुल ऑफ ब्लड, सैंग्विन पर्सन होते हैं। इसकी वजह से ये सेरिब्रल कंजेशन भी हो सकता है इनको। नेक्स्ट हम टेम्परामेंट की बात करें तो टेम्परामेंट इनका नर्वस टेम्परामेंट होता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो अर्निका के पेशेंट चिली पेशेंट होते हैं। माइजम में सोरा इज द बैकग्राउंड माइजम ऑफ अर्निका पेशेंट। नेक्स्ट हम गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो जो पहला सिम्टम है वो है सोर लैम ब्रुइस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बीटन, जैसे कि किसी ने मारा हो इस तरीके का उनको पेन होता है, इस तरीके की उनको फीलिंग होती है। नेक्स्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है पेन को लेकर। एवरीथिंग ऑन विच द पेशेंट लाइज सीम टू हार्ड, जिस पे भी पेशेंट बैठते हैं या लेटते हैं उनको ऐसा लगता है कि सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड है। नेक्स्ट सिम्टम है अर्निका पेशेंट का, इनकी एक और स्पेशलिटी एक ऐसी है कि इनकी हाफ अपर बॉडी जो होती है वो हीट होती है और इनकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कोल्डनेस होता है। नेक्स्ट टेंडेंसी ऑफ स्मॉल पेनफुल बॉइल्स वन आफ्टर अनदर। नेक्स्ट सिम्टम इज अर्निका इज स्पेशली सूटेड इन केस ऑफ इंजरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया इंजरी के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मेडिसिन है। इंजरी में ये सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंजरीज में यूज़ किया जाता है, दैट इज कंट्यूजन्स या फिर एब्रेशन जैसे केसेस में। पेशेंट ब्लीड्स इजीली, पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है पेशेंट अर्निका के, कॉज एंड क्योर हिमोरेज ऑफ एनी काइंड। नेक्स्ट सिम्टम हम माइंड के बारे में बात करेंगे अर्निका पेशेंट की। इनकी माइंड की एक ऐसी स्पेशलिटी की है, ज़्यादातर अनकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, बट जब वो इनको कोई क्वेश्चन पूछा जाए या ये आंसर बहुत ज़्यादा करेक्टली एंड कम्प्लीटली देंगे एंड अगेन इट विल रिटर्न टू अनकॉन्शियस स्टेट। नेक्स्ट पेशेंट इज स्टुपोरस कंडीशन विथ इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज होता है स्टूल एंड यूरिन का। इसके साथ साथ इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, ये वन ऑफ द सिम्टम है अर्निका पेशेंट का, कंप्लीट इनएबिलिटी होगी, ये ज़्यादा कंटिन्यू एक्टिव वर्क नहीं कर सकते हैं। डिप्रेशन होगा ज़्यादातर इनके माइंड में और फियर ऑफ डेथ प्रेजेंट होता है अर्निका पेशेंट में।
नेक्स्ट हम पर्टिकुलर सिम्टम की बात करें तो हम अर्निका को पर्टिकुलरली आई कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई हिमोरेज हो या आई रिलेटेड कोई इंजरी हो तो हम अर्निका को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम GIT सिम्टम्स में भी अर्निका का यूज़ कर सकते हैं। इंजरी तो इसकी स्पेशलिटी है, इंजरी में तो हम यूज़ कर ही सकते हैं अर्निका को। ह्यूरमेटिज्म के केस में भी, जैसे अर्थराइटिस है, पेन कंडीशन है, तो हम अर्निका को यूज़ कर सकते हैं। स्किन के सारे कंप्लेंट्स में हम अर्निका को यूज़ कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज़ हो तो आप अर्निका की ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फीवर के कंप्लेंट्स में भी हम अर्निका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जनरल मोडालिटीज़ की अगर बात करें तो अर्निका पेशेंट में एग्रेवेशन होता है फ्रॉम लिस्ट टच मोशन से, रेस्ट करने से भी उनको एग्रेवेशन होता है इन डैम कोल्ड वेदर। एमेलियोरेशन की बात करें तो फ्रॉम लाइंग डाउन से उनको बहुत ज़्यादा बेटर फीलिंग होती है। तो हमने पूरे वीडियो में अर्निका मोंटाना के बारे में देखा। ये इसके साथ साथ अगर आपने एक्वानाइटम नेपलस की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी। ये वीडियो के बाद आप ज़रूर जाकर एक्वानाइटम नेपलस की भी वीडियोस देख सकते हैं। फीवर, पेन एंड एनजाइटी के लिए तो रामबाण होम्योपैथिक मेडिसिन है एक्वानाइट। इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फिर भी कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।